मालीपुर द्वीप में 4.0 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। लॉस एंजलिस में भी भूकंप के झटके बहुत बड़े स्केल में थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं रॉन यार्ड्स और ये 10 एक्शन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट है। मालीपुर द्वीप में जो भूकंप आया था उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ऐसा पता चला है। लोगों की जाने कम गई है लेकिन इमारतें बहुत सी गिरी है। ये 100 साल पुराना है, मुझे तो ये महल नया लग रहा है। इसमें सुरक्षा की क्या गारंटी है? मैं सच बोल रही हूँ सर, भूकंप से हमारे होटल को कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल मत घबराइए सर, अगले साल हम इस होटल को बिल्कुल नया कर रहे हैं। देखो सुनो, अगर कुछ हो जाए तो आसानी से बाहर निकल सकूं, ऐसा कोई कमरा दीजिए मुझे। बिल्कुल सर, पहली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब भी यहाँ भूकंप के झटके आए थे। उस वक्त मैं डर गई थी तो इन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया था। जब भूकंप आया था तो आप दोनों एक हो गए थे क्या? आपकी ये प्रेम कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी ये नेकलेस बहुत सुंदर है। ये नेकलेस तुम्हें बहुत पसंद आया क्या? रूबियों से डेकोरेट किया हुआ है, अगर डायमंड होते तो और भी अच्छा होता। मैंने कभी ऐसी शॉपिंग नहीं की है क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तभी तो आज गए थे। आज आपकी शादी की सालगिरह है ना, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें मालूम है हम लोगों ने पहली किस उस जगह पे की थी? उस समय वहाँ पर ब्लू कलर का डेकोरेशन था, तब से अब तक यहाँ बहुत फर्क पड़ गया है। हमारे बैग्स को जरा रिसेप्शन में रख लेना, हम जरा जाके कुछ खा के आते हैं। शादी की सालगिरह के दिन किसी को सोना नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लग रही है। मुझे भूख लग रही है, तुरंत जल्दी चलो चलते हैं। थोड़ा सा नाश्ता करके जल्दी आ जाएंगे। आराम से आइए। उनके बाद में दम है, हम अच्छे लवर्स हो सकते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। ए, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी स्टेप मदर फोन कर रही है, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं भूकंप ना आ जाए। ऐसा क्या? मैं उनसे बात करके आती हूँ। मौली मैं अच्छी हूँ, यहाँ पे भी भूकंप के झटके आए थे। ओके, तुरंत तुम्हें यहाँ पर पहुँचना होगा क्योंकि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। क्या क्या कहा? कब? तुरंत हमें सिटी से बाहर निकलना होगा। फिर भाषण देने लगी। भाषण की बात नहीं है, कितना भी पैसा कमाओ फायदा क्या? मैं और नहीं बता सकती, तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ जाओ। मेरी बात मानो, 10 पॉइंट मैग्नीट्यूड से भूकंप आने वाला है। तुम्हारा होटल 8 पॉइंट मैग्नीट्यूड ही बर्दाश्त कर सकता है। एली मेरी बात पर ध्यान दो, वो जगह इतनी सेफ नहीं है। सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। टीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुसीबत वाली कोई बात नहीं है। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? एली, हैंक। हेलो हैंक। हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल कट गया। दोबारा ट्राई करती हूँ। अगर सारे फोन ऑफ हो गए तो हम क्या करेंगे? बोलो। क्या बोला? मौली मेरी आवाज सुन रही हो? पहले हमें बाहर निकलना होगा। अब जो भूकंप आने वाला है वो पहले वाले भूकंप से भी बहुत बड़ा होगा। एली को मैं किसी तरह ले आऊंगी। नहीं, मैं उसे लेके आता हूँ, तुम इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाओगी। सुन रही है मुझे? Thank. सुनो हनी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और फ्यूल भी बहुत कम है। एली को ले आओ, मैं किसी तरह वहाँ पहुँचती हूँ। होटल की बिल्डिंग के ऊपर मिलते हैं। मैं भी वही कहने वाला था लेकिन तुमने पहले कह दिया। 80 मिनट ही बचे हैं, तुम समझ रहे हो ना? मारे हैंक। शिट, तुम्हें पीछे जाना होगा, फ्यूल कम है, फिल करना होगा। जल्दी आ जाओ, बड़ा हादसा होने वाला है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं रॉन यार्ड्स और ये 10 एक्शन न्यूज है जो आपको खास खास खबरें बताता है। और हमारी पूरी टीम यूएसजीएस के ऑफिस पे है, वहां से सीधा प्रसारण किया जाएगा और अब वहां से एक एक मिनट की खबर आपको मिलती रहेगी। आइए आपको वहां ले चलते हैं। 5.1 मैग्नीट्यूड में मैलीपू के पास भूकंप आने वाला है ऐसी खबर मिली है। उसके बाद भी कई और झटके आने वाले हैं ऐसा पता लगा है। आपके पास फोन है? लैंडलाइन? लोकल कॉल करनी है। एक इम्पोर्टेंट फोन करना है। एली तुम कहाँ हो? इस हादसे से निपटने के लिए हमारी टीम ने कई कदम उठाए हैं और भूकंप के झटके जहाँ जहाँ। कॉल टेक जियोलॉजिकल सर्वे, आप कौन बोल रही हैं? चैट में मौली बोल रही हूँ। हाय मौली, तुम्हारे इलाके में भूकंप आया, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सेल टावर सब ऑफ हो रहे हैं। ये आखिरी कॉल हो सकती है तुमसे बात करने की, टावर सब बंद हो रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो। इमरजेंसी डिक्लेयर करके सबको बाहर करना होगा। आने वाला भूकंप बहुत बड़ा हो सकता है, 10 मैग्नीट्यूड से आ सकता है। चैट मौली,
मौली ये सब तुम कैसे जानती हो? मेरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है चैट। मैलिबू नाश होने वाला है, ये 4 मिनट पहले ही मुझे पता चल गया था। ओ, ये बात है। और अब 10 पॉइंट मैग्नीट्यूड से भूकंप आने वाला है और उसके बाद पूरा सर्वनाश हो जाएगा, ये मुझे पता चला है चैट। सैन एंड्रियास से 800 किलोमीटर दूर भूकंप आने वाला है। इसका भरोसा करूं क्या? 2008 में भी तुमने कहा था कि भूकंप आएगा, लेकिन आंधी आई थी उस वक्त। वो 8 मिलियन लाइंस ऑफ कोड था। चैट मेरी बात मानो, ये नया रिंग है, नया कोड है, मेरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। इमरजेंसी हर हालत में डिक्लेयर करनी होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा डेटा एक बार देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, फाइन। अभी भेज दिया ना, मैं चेक करूंगा। मेरे अभी भेजा, इनबॉक्स में चेक करो और तुम हाई ऑफिशियल्स को इस बात की खबर दे दो। करोड़ों लोगों को हम एक ही समय में कैसे बचा पाएंगे? अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं है। M10 चैट, मेरी बात मानो। नो, मुझे भरोसा नहीं है। इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। डैमिट,